नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, प्रसन्न चित्त हैं और पहले की भांति आप अपने पढ़ाई के प्रति और ज्यादा फोकस्ड हैं। मैं अरुण तिवारी एक बार फिर से आपका आपके ही इस चैनल टारगेट विद आलोक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों को कंप्यूटर विषय से संबंधित अलग अलग विषयों पर परिचित कराते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। पिछली बार हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात की थी। इस बार का जो विषय हमने रखा है वो है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। चलिए दोस्तों, हम लोग अपना समय और ज्यादा नुकसान न करते हुए अपने विषय पे जुड़ते हैं। हमारा जो विषय है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अगर हम सॉफ्टवेयर को समझना चाहें कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, अगर इसको समझना चाहें तो हम अपने सॉफ्टवेयर का अलग अलग टाइप्स में वर्गीकरण करते हैं। इससे पहले कि हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे हार्डवेयर, किसी भी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होते हैं वो उसके भौतिक उपकरण होते हैं। जितने भी भौतिक उपकरण जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, गिन सकते हैं इत्यादि, उनको हम लोग कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो हम ये जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है अपने आप कार्य नहीं कर सकता है, तो उसको काम करने के लायक बनाने के लिए या उसको उससे काम लेने के लिए हमें अपने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ डेटा या प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट के तौर पर देना पड़ता है। यही कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा या प्रोग्राम को ही हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेटा निर्देश और प्रोग्राम के समूह को कहते हैं जिनके माध्यम से हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम लिया जाता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर से काम लेने के लिए हमें क्या होता है, कुछ डेटा, कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ प्रोग्राम देना पड़ते हैं। इन्हीं ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा या प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर हम क्लासिकल टर्म्स, ये तो एक जनरल सा डेफिनेशन हुआ, अगर क्लासिकल टर्म्स में हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना चाहें क्लासिकल टर्म्स में, तो कैसे करेंगे।
अगर हम क्लासिकल टर्म्स में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डिफाइन करना चाहें तो हम अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, शॉर्ट में हम S/W लिखते हैं, हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम रिलेटेड programs and data or files that are designed to perform some specific task. ठीक है, तो ये हमारा एक क्लासिकल डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर का. तो अगर इसे हम हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हमारा सॉफ्टवेयर किसी विशेष कार्य को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम और डेटा अथवा फाइलों के, यहां पे बल्कि संबंधित कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, संबंधित प्रोग्रामों के और डेटा या फाइलों के समूह को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहा जाता है. ये हमने लास्ट के टर्न में बात की थी. अब जरा सा हम और आगे बात करें, ये सॉफ्टवेयर के टाइप्स की बात करें. अगर हम सॉफ्टवेयर को समझना चाहें तो हम सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा वर्गीकरण करें तो हम देखेंगे हमारे सॉफ्टवेयर कई अलग अलग प्रकार के होंगे. सबसे पहला जो टाइप है इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर. दूसरा जो है इसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तीसरा जो है इसे हम लोग कहेंगे फर्मवेयर. और जो चौथा है इसे हम लोग नाम देते हैं टूल्स एंड यूटिलिटीज. ठीक है, तो ये हमारे पास चार प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं. कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और टूल्स एंड यूटिलिटीज. तो चलिए हम इन सभी के बारे में संक्षिप्त में जानने का प्रयास करें. ये अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर क्या हैं, इनके उदाहरण क्या क्या हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर की.
अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं, उससे उनको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरैक्ट करके उनको कंट्रोल करके हमारे काम को पूरा करवाते हैं, उनको हम लोग कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं, और उन्हें नियंत्रित करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हमारे वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरैक्ट करते हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब इस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारे पास कई अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर आ सकते हैं। जो सबसे बढ़िया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर के जितने भी संसाधन हैं, चाहे वो प्रोसेसर हैं, चाहे वो रैम है, चाहे वो स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो उसका इनपुट डिवाइस है, चाहे वो उसका आउटपुट डिवाइस है, इन सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करना, उनको नियंत्रित करना, उनको मैनेज करना, ये सारा काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ठीक है, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इट इज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द यूजर। हमारे यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के मध्य ये माध्यम का काम करता है। ये तो इसका एक डेफिनेशन है जिसे हम लोग कहते हैं लेमैन डेफिनेशन। बट अगर हम कहें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टेक्निकल डेफिनेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ सम प्रोग्राम्स, सम रिलेटेड प्रोग्राम्स, सम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स विच हेल्प द यूजर टू राइट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम्स, एंड दे ऑल्सो मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बाई एलोकेटिंग देन टू द डिफरेंट यूजर्स एंड प्रोग्राम एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अर्थात अगर हम उसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कई
परस्पर जुड़े हुए प्रोग्राम का समूह है। जो उपयोगकर्ता को निर्देश अथवा प्रोग्राम लिखने उन्हें कंपाइल करने और एग्जीक्यूट करने में मदद करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के सभी संसाधनों को प्रबंधित करने का कार्य भी करते हैं। अर्थात यूजर ने जो प्रोग्राम जो इंस्ट्रक्शन दिया निर्देश दिया उसको हार्डवेयर से पूरा करवाने का काम हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, अर्थात ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे हार्डवेयर को कंट्रोल करके यूजर के इंस्ट्रक्शन को पूरा करवाता है। दूसरा, ये हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के जितने भी संसाधन हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के कौन कौन से संसाधन हैं, जो भी चीज जुड़ा है, चाहे वो प्रोसेसर हो, चाहे वो रैम हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, सीडी ड्राइव हो, जो भी है, जो भी हमारे कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हार्डवेयर संसाधन हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर संसाधन हो, सभी को मैनेज करने का कार्य हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक प्रकार का क्या हो गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा उदाहरण हम लोग कह सकते हैं वो है डिवाइस ड्राइवर्स। हम लोग डिवाइस ड्राइवर की बात करते हैं, जब हम अपने कंप्यूटर में कोई डिवाइस जोड़ते हैं, कोई उपकरण जोड़ते हैं, उदाहरण के लिए हम प्रिंटर जोड़ते हैं, तो कुछ प्रिंटर तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में कंप्यूटर के हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है, बट कुछ ऐसे भी डिवाइस होंगे, ऐसे भी प्रिंटर होंगे, ऐसे भी अलग अलग उपकरण होंगे जिनके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई जानकारी नहीं होगी। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर यानी कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रयोग कर सके तो हम क्या करेंगे, तो हम उस डिवाइस का एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर है उसे हम अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे लोड करेंगे। एक बार वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास वो डिवाइस ड्राइवर आ गया तो अब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे डिवाइस को यूज कर सकेगा, कंट्रोल कर सकेगा। तो डिवाइस ड्राइवर भी एक प्रकार के हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। तीसरा,
लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। देखिए, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको हिंदी आती है, आपको अंग्रेजी आती है, आप समझ सकते हैं। तो मैं हिंदी अथवा अंग्रेजी में आपसे वार्तालाप कर रहा हूं, मुझे आपको कुछ सिखाना है, कुछ बताना है, कुछ निर्देश देना है, तो मैं इन्हीं दो भाषाओं का प्रयोग करूंगा। बट कई दफा ऐसा होता है कि भाषा एक प्रॉब्लम बन सकती है। मान लेते हैं मुझे हिंदी ना आती हो और अंग्रेजी ना आती हो, मान लेते हैं मुझे बंगाली आती हो और आप लोग को बंगाली ना आती हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो और कुछ नहीं आता, तो मैं अपना निर्देश बंगाली में दूंगा, मैं जो पढ़ाऊंगा बंगाली में पढ़ाऊंगा, बट वो आपके लिए बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बंगाली नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे और आपके बीच में एक दुभाषीय को रख देंगे जो मेरे बताए हुए वाक्यों को हिंदी अथवा अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, मैं जो बोलूंगा वो हिंदी में या अंग्रेजी में आपको समझा देगा। तो हमें ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर जो होते हैं वो केवल मशीन लैंग्वेज जो कि जीरो या वन के माध्यम में लिखा जाता है, हमारे कंप्यूटर के मशीन लैंग्वेज में काम कर सकते हैं, इसी को जानते हैं, इसी को पहचानते हैं, इसी को समझते हैं। इस भाषा को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब चाहे जो कह लो, मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज, कुछ भी कह लो, कंप्यूटर केवल यही भाषा समझता है। तो अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना है तो आपको 01 की भाषा में ही पूरा कोड लिखना पड़ेगा, और 01 की भाषा को समझना, सीखना, प्रयोग करना तीनों कठिन है। तो शुरुआती दिनों में जो कंप्यूटर यूज किए जाते थे उसमें केवल यही भाषा प्रयोग किया जाता था, मशीन लैंग्वेज, और इसलिए उस भाषा का प्रयोग करने के लिए हमें उस भाषा को सीखना पड़ता था। आमतौर पे बड़े क्वालिफाइड साइंटिस्ट ही केवल उसको प्रयोग कर पाते थे, और वो भी सारा कुछ याद नहीं कर पाते थे, मैनुअल लेके साथ में बैठते थे, हर एक चीज का कोड 01 के रूप में देख करके तब उसमें कंप्यूटर में टाइप करते थे। ये बहुत स्लो था, काम करना बहुत स्लो हो जाता था। बाद में असेंबली लैंग्वेज आया जिसे हम लोग सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज या 2GL सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, इसमें 01 की जगह अंग्रेजी के शब्दों का शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि एड, एडिशन के लिए एड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल, डिवीजन के लिए डिव, जंप करने के लिए JMP, लोड करने के लिए LD, रुकने के लिए HLT, ऐसे शॉर्ट फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं? निमोनिक्स। इसमें M साइलेंट है, नेमोनिक्स, इसका प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, 01 का कोड याद करने से ज्यादा आसान है इसको याद करना। तो ये आ गया, तो इसमें कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखना बहुत आसान हो गया। बट कंप्यूटर तो इस भाषा को नहीं समझता, तो हमें एक ऐसे ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम लोग कहते हैं असेंबलर। तो असेंबलर क्या है? असेंबलर एक ट्रांसलेटर है, एक ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है
जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। ठीक है ना? तो ये जो असेंबलर है ये मेरा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाद में हाई लेवल लैंग्वेज आए, जैसे बेसिक, फोर्ट्रान, कोबोल, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज आ गए। तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये अंग्रेजी के शब्दों के पूरा पूरा प्रयोग, उससे मिलते जुलते शब्दों का प्रयोग करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये जो है हमारे असेंबली लैंग्वेज से भी ज्यादा आसान हो गया। असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के साथ एक समस्या और थी कि वो केवल उसी प्रोग्राम, उसी कंप्यूटर पे चलते थे जिस कंप्यूटर के लिए बनाया गया है, क्योंकि हर एक प्रोसेसर का अलग इंस्ट्रक्शन सेट होता है। तो एक प्रोसेसर के लिए जो आपने प्रोग्राम लिखा है वो दूसरे प्रोसेसर पे नहीं काम करेगा। ये एक समस्या थी हमारे फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में, बट मशीन लैंग्वेज में ऐसा, सॉरी हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर हमारे प्रोग्राम जेनरिक होते थे, आमतौर पे एक कंप्यूटर पे लिखे प्रोग्राम लगभग हर कंप्यूटर पे काम करते थे। ठीक है, तो उसके लिए वो जो हाई लेवल लैंग्वेज या थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की बात करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या HLL, इसको हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं, 3GL। इसमें काम करना आसान है, सीखना आसान है, समझना आसान है, काम करना आसान है, साथ ही साथ जो प्रोग्राम लिखा वो लगभग हर प्रोसेसर पे काम कर सकता है। बट हमारे जो कंप्यूटर है हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझते, तो हमें एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाइलर, और दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ये दो हमारे प्रोग्राम हैं, जो दो सॉफ्टवेयर हैं, दोनों ही ट्रांसलेटर हैं और दोनों ही क्या करते हैं, ये हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बदलते हैं मशीन लैंग्वेज में। ये दोनों ही हमारे क्या कहलाएंगे, दोनों ही कहलाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर दोनों एक ही काम कर रहे हैं तो दोनों में फर्क क्या है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। राइट, हमारा जो इंटरप्रेटर की बात करते हैं, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपके प्रोग्राम को जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है उसके प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। बट ये कैसे करता है, लाइन बाई लाइन, लाइन दर लाइन। ये क्या करता है, यह हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को लाइन दर लाइन, लाइन दर लाइन मशीन लैंग्वेज में बदलता है। और
बदलने के साथ ही उस लाइन को एग्जीक्यूट भी करता है। तो मान लेते हैं हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा वो 20 लाइन का है, तो पहला लाइन उठाएगा, उसको परिवर्तित करेगा इंटरप्रेटर, फिर दूसरा लाइन उठाएगा, उसको बदलेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा लाइन उठाएगा, बदलेगा, एग्जीक्यूट करेगा, चौथा लाइन उठाएगा, उसको मशीनी भाषा में बदलेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा। मान लेते हैं पांचवें लाइन में कुछ गलती है, हमसे कोई गलती लिखने में गलती हुई है, तो जैसे ही उठाएगा उसको बदलने की कोशिश करेगा तो एरर मिलेगा, और कंप्यूटर की भाषा में एरर को हम लोग कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। तो अगर कोई बग मिला, कोई एरर मिला, तो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा। अब लाइन नंबर पांच पे रुका, इसका मतलब आपकी जो गलती है, बग है, वो किस लाइन में है? पांचवी लाइन में है। तो अब आप समझ गए कि पांचवी लाइन में गलती है, तो आप उसको क्या करोगे? सही करोगे। सही करने के बाद दोबारा से उसको रन करने के लिए कहोगे। जब रन करने के लिए आप कहोगे, सबमिट करोगे, तो इंटरप्रेटर पुनः शुरू से शुरू करेगा, पहले लाइन से। पहला लाइन उठाएगा, बदलेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा उठाएगा, बदलेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तीसरा उठाएगा, बदलेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो लाइन दर लाइन ऐसे बदलते हुए आगे बढ़ेगा। मान लेते हैं 15वें लाइन पे फिर गलती मिली, तो फिर रुक जाएगा, फिर आप सही करोगे, फिर रन करोगे, फिर शुरू से शुरू करेगा। यानी कि ये बहुत स्लो है, लाइन दर लाइन बदलता है और साथ ही साथ उसको उस लाइन को एग्जीक्यूट भी करता है। जबकि अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर भी यही करता है। कंपाइलर भी करता क्या है? पूरे पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा पे परिवर्तित करेगा, बट ये एक एक लाइन न करके पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलने की कोशिश करता है। तो मान लेते हैं 20 लाइन का प्रोग्राम लिखा है आपने, तो उस पूरे लाइन को, पूरे प्रोग्राम को लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम स्कैन करेगा, उसमें अगर कोई गलतियां हैं तो पहले उन गलतियों को आपको बता देगा, फला फला लाइन पे ये गलतियां हैं। अब आप पहले उन गलतियों को सुधारेंगे, जब सारी गलती सुधार लेंगे और आपने दोबारा से उसको कंपाइल करने के लिए सबमिट किया, तो कंपाइलर क्या करेगा? अगर उसमें कोई गलती नहीं है तो उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देगा। अब इस मशीनी भाषा के प्रोग्राम को आप बाद में रन कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर क्या करता है, यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में बदलता है। तो दोनों ही एक ही काम कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल रहे हैं। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा है, जबकि कंपाइलर पूरा पूरा प्रोग्राम एक साथ कर रहा है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर जो और असेंबलर, ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ये भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे की कैटेगरी पे चलते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हम अलग अलग तरह के कार्यों को कंप्यूटर के द्वारा करते हैं, तो एक ही प्रोग्राम से सारे हर तरह के कार्य नहीं संभव होंगे। तो हमें क्या है, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चाहिए।
जैसे उदाहरण के लिए मुझे अगर कंप्यूटर पे डिजाइनिंग का काम करना है तो मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें डिजाइनिंग की सुविधाएं दी गई हों, जिसमें लाइन खींचने की, लाइन को कर्व करने की, उसमें फिगर बनाने की, उसमें कलर भरने की, उसको टेढ़ा करने की, ये सारी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर करेंगे कहेंगे, जैसे कि हमारा फोटोशॉप, जैसे कि हमारा कोरल ड्रॉ, ये दोनों कैसे हैं, डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं। तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। इसी प्रकार से अगर मुझे अकाउंटिंग का काम करना है तो मेरे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें अकाउंटिंग से संबंधित सुविधाएं हों, कंपनी क्रिएट करना, बिल बनाना, लेजर बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, इनवॉइस बनाना, ये सारी सुविधा हो, इसको कहेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ऐसे ही जो अलग अलग कार्यों के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। अलग अलग कार्यों के लिए हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनमें उस कार्य से संबंधित सुविधाएं होती हैं। इन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अब आ जाते हैं चौथे पे, फर्मवेयर। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस के रोम के अंदर डाल दिए जाते हैं और ये केवल एक रूटीन कार्य, निहित कार्य ही कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं करते। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग फर्मवेयर कहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में बायोस है, हमारे कंप्यूटर में पोस्ट है, बूट लोडर है, ये सब हमारे कंप्यूटर की बूटिंग में मदद करते हैं, तो ये सब हमारे कंप्यूटर के फर्मवेयर हैं। केवल कंप्यूटर में नहीं, हमारे पास और भी अन्य डिवाइसेस, जैसे कि आजकल हमारे पास डिजिटल कैमरा है, स्मार्ट टीवी है, स्मार्ट वॉच है, हमारे पास वॉशिंग मशीन है, इन सब के अंदर भी रोम की चिप होती है, उसमें एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर अपने केवल रूटीन काम कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई काम नहीं करते, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के रोम के चिप के अंदर डाले जाते हैं, जो केवल निहित कार्य करने में सक्षम है,
उन्हें हम फर्मवेयर कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आखिरी कैटेगरी, हमारा आखिरी कैटेगरी है टूल्स एंड यूटिलिटीज। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के रखरखाव, मेंटेनेंस और उनके कार्य करने में सहयोगात्मक भूमिका निभाते हैं। ऐसे सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग टूल्स एंड यूटिलिटीज कहते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है कैलकुलेटर का, जो कैलकुलेशन करने में मदद करता है, तो वो एक टूल है, वो किसी अन्य एप्लीकेशन के अंदर वो कार्य करने में मदद करता है। ऐसे ही हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग कहते हैं स्कैन डिस्क। ये हमारे हार्ड डिस्क को स्कैन करके उसमें कोई एरर है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम पता लगाने की कोशिश करता है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई जगह खराब है, तो उसको बैड ब्लॉक मार्किंग कर देता है, जिससे कि उस सेक्टर पे कोई डेटा स्टोर ना होने पाए, डेटा लॉस ना होने पाए। तो ये स्कैन डिस्क क्या है, हमारा एक यूटिलिटी है। इसी प्रकार से डिस्क डिफ्रैगमेंटर, ये भी एक यूटिलिटी है जो कि आपके हार्ड डिस्क को डिफ्रैगमेंट कर देता है, यानी कि उसमें फाइलों के टुकड़ों को एक क्रम में लगा देता है, जिससे कि फाइल को खोलने में ज्यादा समय ना लगे, हमारे कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाए। ऐसे ही हमारे पास होता है बैकअप यूटिलिटी, डेटा को बैकअप करने के लिए, रिस्टोर यूटिलिटी, बैकअप एंड रिस्टोर। अगर हमारा कंप्यूटर के डेटा करप्ट हो जाए, तो अगर आपने बैकअप बनाया है, तो बैकअप से उसको पुनः प्राप्त करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है, ये हमारा एक यूटिलिटी है। ऐसे ही विनजिप, हमारे फाइलों को कॉम्प्रेस करके उसकी आकार को छोटा करने में, जिससे कि हम उसको जल्दी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेज सकें, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग यूटिलिटीज कहें। एंटीवायरस, अगर हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए, तो वायरस को रोकने, उनको दूर करने के लिए एंटीवायरस होते हैं। तो ये सब हमारे कंप्यूटर के रखरखाव और उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो प्रयोग होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं टूल्स एंड यूटिलिटीज। तो ये हमारे चार प्रकार के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो मेरा काम संपन्न हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का विषय हम इतने पे ही समाप्त करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।